अंदर आ रहा है, सुनो अंदर आएगा सांप, जैसे ही अंदर आएगा हमको बता देना। तो आज हम लोग लगभग अपने गांव से 60-70 किलोमीटर एक गांव में आए हैं। क्या नाम है गांव का? परसुआ। दोस्तों एक दिन हम लोग यहां पर आए थे, लेकिन हमारे यहां एक माता जी को साहब ने वाइट कर लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस दिन हम लोगों को साहब नहीं मिला था, लेकिन आज इन्होंने एक फिर कॉल किया। कहाँ लिखा साहब? बताइए। वो छिरगेन वाले घर में, रोटी वाले। इनका कहना है कि बकरी वाले मकान में सांप दिख चुका है, जिस सांप ने माता जी को बाइट किया था वो सांप आज दिख चुका है। तो आइए हम लोग उस सांप को देखते हैं, कौन सा सांप है। आइए, नीचे नीचे के तका में देखो, नीचे हो तका में देखो, नीचे ये में देखो, इधर चलता है, ये तो ही है। तो देखो हम बताए आपको, जो गैस उठा सब उठाइए, एक मिनट। आपका जो भी नुकसान हो उसको मत देखिए आप। नहीं नहीं, आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, कुछ नहीं, छोटा मोटा नुकसान मत देखिए। हाँ नहीं देखा भाई साहब, आप मतलब आज समझ, आज समझ रहे हैं ना? लो देखा, कर लो जो करना, नुकसान हो जान दो, हो जान दो। अरे वो तो देख ला, उन्हें दिखा रहा, हमने दिखा रहा, हमने अरे देख ला, उन्हें वो काधर पिंडी बन होता है पे। ये नकज्जा के तई जिते आपने देखो तो देखो, उस तरफ एक टाट लेके जाइएगा, उस तरफ जाए तो पछाई बोलो, पछाई पछाई है जहाँ पे भी दिखे ना, ये जो आपने दिखाया ना, ये बाल रखे हैं बाल। अरे नहीं, हाँ वो जा रहा उस साइड, देखो उस साइड देखिए, अरे देख रहा उस साइड जा रहा है, उस साइड देखो, अरे सांप देता ही है, देख रहा हो? सांप देता ही है, हमने तो देखा। हाँ देख रहा, बहुत हैवी सांप है, बहुत बड़ा सांप है, देखो उसी साइड आ रहा है। बाहर जाइए, बाहर जाइए, कोई बाहर बाहर बोलिएगा मत, कोई मारियो ना, बोलिएगा मत कोई। हमको सांप दिख रहा है, लेकिन हम हाथ नहीं जा सकते वहाँ पे। देखो सांप, देखो ये देखो, देखो वो जा रहा, देखो ढंग से कहीं होती, देखो वो जा रहा, देखो कुछ क्या लगा दे रहा है, यहाँ कुछ क्या लगा दो, हाथ से पकड़ ले यार, वो जा रहा है, निकल चुका है, उठाओगे उठाओ जल्दी, उठाओ पूरी, अरे यहाँ पर सांप निकाल लो तुमने, वो सांप निकल गो, निकल गो, बाहर है कोई, बाहर बाहर तो है आदमी, देख रहा है, चलो 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 जल्दी चलो। वो ठीक है, लेकिन हमको ऊपर जाना है, मतलब इस पे ऊपर नहीं 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 मकान के, हाँ ठीक है, अच्छी आ गए। रुको रुको भैया, ये हल्लानी का एक घंटा तो कहीं पड़ होगा, बिल्कुल ये इंटन की ऊपर, देखो सांप निकलो इतने से, जब हमने देखो ना, हाँ हाँ, तो जो रास्ता से यहाँ था सांप तुम्हारा यही रास्ता से, ठीक है। अब एक आदमी हमारे यहाँ तो उतर पहुँचे होते, साइड नहीं जाते वो, हम एक एक से खपरा देखे हैं मई तक, देख लो देख लो, आप खपरा देख लो, जा साइड भी देखने, बाय साइड भी देखने। अब वो तो हम अंदर है, मजबूरी थी, हमारा हाथ नहीं जा रहा था, आपने सांप वहाँ देख लो, सांप भैया भीतर से मत हिलाओ, भीतर से नहीं कोई हिला जो, अरे सांप पे एक साइड को, हमने देखो यार, कपड़ा तोड़ रहे हमें, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बिल्ला मिले हम फिर वो अलग देखे, हाँ ऊपर तुम देख दो, अरे भैया गैर नहीं तो देखा है, वो मिल रहे हैं आपको, सही है ना, नहीं मिल रहे, बल्ला देखे, देखे तब हैं।
गया है ये तो ही है गया था जो जो ही तो चला कौन चला कौन नहीं 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 कश्मीर से वो तो वो कश्मीर से अरे आप आ नकान दे गया था तुम कितने आ सकते हो हमें सकल बात हुआ था जो ये पकड़ ला ओ बाप रे भगवान मानने हो तो तभी तो कहूंगा महाजी रुको रुको नहीं नहीं कुछ नहीं होगा नहीं अभी नहीं मिला तुम लोग देखते रहे ना उधर सुनो नीचे देखते रहे ना नहीं अभी नहीं मिला नीचे देखते रहे ना ठीक है हाँ उधर से ही आएगा वो सब अंदर आएगा देखते रहे ना वो जैसे ही अंदर आएगा हमको बता देना है वो ही अंदर आ रहा है सुनो अंदर आएगा साहब जैसे ही अंदर आएगा हमको बता देना ठीक है वो अंदर आने वाला है नहीं नहीं मिल गया हाँ आ रहा है अंदर आ रहा है वो उसी तरह जहाँ से हम आए थे ना उसी तरफ सांप आ रहा है हाँ तुम लोग टाट डाल के देखिए समझे हाँ उसी तरफ सांप आ रहा है दोस्तों हम लोगों ने सांप को सुरक्षा पूर्वक रेस्क्यू कर लिया है वो तो मजाक कर रहे हैं उन लोगों से क्योंकि ये सांप बहुत ही जहरीला सांप है ये इंडिया सांप है जो की बहुत ही घातक सांप होता है मिल गया इसमें एक चलिए बाहर दिखाते हैं भाई हाँ। जो पैक तो क्या होता है जब भी किसी को ये सांप बाइट करता है कोई झाड़ फूंक नहीं होती है अच्छा हाँ इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है मात्र एंटीवेनम जो कि जिला अस्पताल में पाया जाता है और जब भी किसी को ये सांप बाइट करता है ना इसका मात्र एक ही उपाय होता है सिर्फ इलाज इलाज के दौरान अगर दूसरा काम किया तो लोगों की जान ही जाएगी आपके घर में घटना हो चुकी है लगभग तो जो ही माना हाँ क्योंकि जब ये सांप काटता है तो ये इतना तो थोड़ा कम अगर कम जगह अगर थोड़ा कम जगह छोड़ता है तो ये 2-3 घंटे का टाइम देता है और अगर अच्छी पकड़ से इसने 2-3 बार अगर ऐसा ऐसा मशक दिया ना तो 40-50 मिनट में व्यक्ति को खत्म कर देता है जैसा कि कौन सांप है दाऊ ये इंडिया स्पेटियल कोबरा यानी अपन बोलते काला नांग यही काला नांग होता है ये हाँ यही काला नांग होता है हमने दाऊ हमने बताया नहीं कि हमने इसको यहाँ पे पकड़ा यहाँ पे ये पूरा सांप अंदर जा चुका था वहाँ पे ऊपर जब गए ना तो हमको देखो जो फन फुला रहा फुला नहीं रहा इसको हम पकड़े हैं इसको ये पूरा सांप अंदर जा चुका था हमने यहाँ पे पकड़ा फिर ये भी अंदर से आप बात सुनो ना ना इसका हम लोग कुछ ना तो कोई जहर निकालते हैं इसको सीधा ले जाके वन विभाग में यानी फॉरेस्ट में छोड़ते हैं हम लोग हाँ ये मतलब अपने जंगल में अपना जिंदगी वहीं गुजारेगा हम लोगों का एक काम रहता है कि जहाँ पे लोगों का बसेरा होता है वहाँ से इनको जैसे मेरा मुंह छूट गया ना तो ये हमारी जान ले लेगा जैसे कि उसने गठान मार ली इसका मुंह छूट गया धोखे से हो गया तो जान ले लेगा आप वहाँ छोड़ दो दांत निकाल लेते तो अच्छा टाइट है वो देखो ये नागिन है ये फीमेल है ये नागिन है हाँ इसका यहाँ यहाँ से पता चलता है लोग बोलते हैं ना नागिन से छोटी होती है इसका यहीं से पता चलता है घोड़े मोड़े आप लोग उनकी जो काची होते एंटीवेनम बना है अस्पताल गली अस्पताल
इनने बाबा जी है मम्मा बोले कर ले हमारे कि उन्हें बुलाओ। अरे का बता मम्मा खर्चा है लोग के आज उतना तो भक्ति है उस दिन की क्या गलती आप लोगों की है पत्ता टोल अच्छे वाली को तो आप लोगों ने पत्ता टोल ना तो आधा ही बैठा हुआ चले जा यार पत्ता टोल ही छिल गया थोड़ा सा इस ढको की टोल तो ही थी नीम के छिल गए छिल गए इतना छिल जा गए तोड़ दो एक पत्ता तोड़ दो हाथ दीजिए ये इससे नहीं बनेगा मैं छिल गया नहीं बता रहा हेलो हां कितना तगड़ा पकड़ा उसने पत्ते को ऐसा ही तगड़ा हाथ को पकड़ लिया ना तो राम नाम से हमारी होगी सुबह समझे। अरे नहीं फंसा कहीं तो कितना डब्बा छोड़ दे ढड़का ले जाए कुछ। तो आज हम लोग रात को करीब 11-12 बजे अपने गांव से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गांव है परसुआ जो टीकमगढ़ के और बड़ा गांव के आसपास पड़ता है वहां पे एक महिला की डेथ हो गई थी इस सांप के काटने के द्वारा। लेकिन ये 10-15 दिन बाद सांप मिला है वहाँ पे क्योंकि उसी घर में सांप पड़ा रहा क्योंकि वहाँ चूहा इसके लिए अच्छा भोजन है और इतना चूहा उस घर में मिला हम लोगों को उस सांप को हम लोग निकाल के लाए हैं वहाँ से अब यहाँ फॉरेस्ट विभाग में छोड़ने के लिए। देखिए कितना खतरनाक सांप है इसको कुछ दिखा भाग था आगे से थोड़ा जो दिखा बहुत ताकत मार रहा यार सुन तुम पास ही आ जा लेकिन थोड़ा सा क्या करो इसकी फोटो कर देते हैं अपने दिखाओ तो दूर अटैक तो कहें हम तो वसुम तो नहीं कर दो हम नहीं कर पाना तुम वो तो कोई फन है ना कर हम पे अटैक कर रहा तुम तो नहीं कर रहा ऐसे इसकी आँख हम तो चल रही है इसका नाम तो कितना ही बड़ा फुंकार लगा रहा है देखिए मेरी तरफ ज़्यादा अटैक कर रहा है तो ज़्यादा पास तो ले आए नहीं गए देखो राजू हम तुम सुंदर कहीं देखो ना तुम वही सज यार दोस्तों सांप को हम लोग जान देते हैं
क्योंकि ज़्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं है। सांप को हम लोग फिलहाल जाने देते हैं। आइए इधर फिर बना बात ना। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जाइए आप उधर उसी तरफ क्यों जा रहा है। दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।